मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसान कामिल, मासूम अकमल, जखीरा इस्मत इलाही, नबुव्वत की हकीकत जिस जात में मुनहसर, वो जब जबान से कहे मा उदी नबीन कत्तु फिल्लाह कमा उदीत, गालिबन यही इबारत सही बुखारी में गालिबन, या उसके नुस्खों में जो शुरू में हैं, मा उदी नबीन कत्तु फिल्लाह कमा उदीत, किसी नबी को अल्लाह की राह में उतनी अजियतें नहीं दी गई जितनी मुझे दी गई। अंदाजा कर सकते हैं, ये एक जुमला सर और सीना पीटने के लिए इस उम्मत के लिए काफी नहीं है, जो हमें तंज करते हैं, ताना देते हैं कि ये रोते क्यों हैं, ये मातम क्यों करते हैं, हकीकत इंसानी से वाकिफ नहीं हो तुम, कुरान से क्या वाकिफ होगे, नबुव्वत से क्या वाकिफ होगे, मकाम इमामत और विलायत से क्या वाकिफ होगे, न उम्मत की अजमत से वाकिफ, न इमामत की अजमत से आगाह, मुसलह दौरा बने हुए हैं। किस तीनत के बने हुए हैं ये लोग, नबी का ये इरशाद माऊज या नबी कत्तो कमाऊजीद, किसी नबी को वो अजियत नहीं दी गई अल्लाह की राह में जो मुझे दी गई। और कैसी कैसी अजियतें दी गई, बस आज 13 मुहर्रम है, आज आपके सर और सीना पीट के रोने के लिए बस एक रिवायत काफ़ी है, हमें रोकते हो रोने के लिए, हम जब सर पे खाक डालते हैं तो हमें रोकते हो मना करते हो। अरे जनाब बीबी उम्मे सलमा ने ख्वाब में किस तरह रसूल को देखा था, हज़रत इब्ने अब्बास ने किस तरह ख्वाब में रसूल को देखा था, कितनों ने ख्वाब में रसूल को रोज़े आशूरा देखा, जनाब उम्मे सलमा फरमाती हैं कि मैंने देखा ख्वाब में रसूल आए हैं, सर मुबारक पे गुबार है, गुबार रीश मुबारक पे गुबार, जुल्फे गुबार में अटी हुई आएँ और रीश मुबारक अशकों से तर है, परेशान हैं। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह मैं किस कैफियत के साथ देख रही हूं आपको, कहा उम्मे सलमा सुबह से मैं करबला में था, और देखो ये शीशी, मैं इसमें इस शीशे में मैं लहू जमा कर रहा था, रसूल लहू जमा कर रहे हैं, किसका लहू, कभी असगर का लहू, कभी अकबर का लहू, कभी कासिम का लहू, औनो मोहम्मद का लहू, और उसका लहू के जो दिलो जाने पैगंबर था, मुहाफिज़े नामूसे नबुव्वत व तौहीद था, सैयद शुहदा अबू अब्दुल्लाह हुसैन का लहू। रसूल सर बरहना हो, रसूल अपने सर पे गुबार डालें, हमें तो मातम और रोने से मना कर सकते हो, बेमारिफत मारिफत हासिल कर, शकी दुआ करके परवरदिगार तुझे यशकिया की फहरिस्त से निकाल कर सआदतमंदों में रखे। ये हुसैन पर रोना भी उन असबाब में से एक सबब है जो नफ्स इंसानी को इनरिचमेंट के प्रोसेस से गुजारता है, पाक होते हैं हमारे नफ्स, जरखेज होते हैं हमारे नफ्स, इस आजादारी के जरिए से जुल्मतें कम होती हैं, नूरानियत में इजाफा होता है। ये फर्श अजा पर आने वाले हुसैन पर गिरिया करने वालों की आंखों में जो मारिफत का नूर है, दूसरे क्या जाने, ये सीने पे हाथ मारने वालों के दिल जिस कदर नूरानी होते हैं, रोशन होते हैं, दूसरे क्या समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते। तजर्बा कहते ही उसे हैं कि जिसे तजर्बे में जब तक लाया ना जाए उस वक्त तक वो बात समझ में नहीं आती। क्यों ना गिरिया हो रसूल, क्यों ना गिरिया करें जिसको रसूल ने पहचनवाया हो बार बार, हादा हुसैन फारिफू, ये मेरा हुसैन है इसे पहचान लो, ये मेरा हुसैन है इसे पहचान।
किस किस तरह से हुसैन की बेहुर्मती की गई। मैं मिंबर पर उमूमन कोशिश करता हूँ कि बस नस रिवायत असल वाकया नकल कर दूँ। अपने तासुरात अलग होते हैं लेकिन असल वाकया, इस वाकये में कितनी अलमनाकी है। वो जुमला इमाम हुसैन का तारीख में पढ़ लीजिएगा, जब कातिल ने इमाम हुसैन के सीने पे कदम रखा है, आका हुसैन ने क्या कहा, लकद इर्तकैत मुर्तकन अज़ीमा तालमा कब्बलहु रसूलुल्लाह, तूने बहुत बुलंद मकाम पर कदम रखा है। अरे बहुत मुद्दतों तक रसूल ने इस सीने को बोसा दिया है। आका हुसैन जब आते थे, छोटा सा कद है, नन्ना सा कद है, हुसैन आ रहे हैं मस्जिद में, मस्जिद में तशरीफ लाए, बीबी ने कुर्ता पहना के भेजा है, रसूलुल्लाह ने कुर्ते के बटन धीरे धीरे खोलना शुरू किए, गुलूए मुबारक से सीने तक बार बार बोसा दे रहे हैं, बार बार बोसा दे रहे हैं, तालमा कब्बलहू रसूलुल्लाह। और आप कभी कभी आपके लबों को दंदाने मुबारक को बोसा देते थे। आज 13 मुहर्रम है, न जाने 12 को या 13 को कब ये जुर्म सरजद हुआ था कि कूफे में तख्त पर एक शकी बैठा था, तख्त के नीचे सर मुबारक रखा था, शकी के हाथ में छड़ी थी और वो छड़ी से दंदाने मुबारक से बेअदबी कर रहा था। एक सहाबी रसूल उठा, ओ शकी मैंने अपनी आंखों से देखा है रसूल इन दंदाने मुबारक को बोसा दिया करते थे।